तो अब चलते हैं। अब लगभग यहाँ से 10-11 दिन का ट्रिप रहेगा, तो 10-11 दिन बाद आते हैं फिर। तो हम लोग जो है पहुँच गए हैं कटिहार रेलवे स्टेशन और क्रियांश भी आ गया है। अच्छा लग रहा है जी कि हम लोग जा रहे हैं फाइनली गोवा। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। 350 रुपए में डोसा कॉफी कितने का था? 200 रुपए का था। तो सभी लोग जी जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ और क्रियांश को जो आई हुई है नींद जी। मैं जो है प्रॉपर एक फ्लाइट लिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। चश्मा भी पहन लिया है। तो क्या जाने वाला है ट्रिप पे? गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे। इस पे ना ये गोगल्स बहुत अच्छा लगता है ना, ये वाला। और ये गोगल्स में कितना फोटो खिंचवाता है इस बार देखते हैं। तो खोलने का तैयारी में देख रहे, हाथ पकड़े हुए। One hour later. तो सभी लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और क्रियांश भी बहुत एक्साइटेड है अब जाने के लिए। इसको मालूम चल गया है कि सब लोग बाहर निकलने वाले हैं, तो अब चलते हैं। अब लगभग यहाँ से 10-11 दिन का ट्रिप रहेगा, तो 10-11 दिन बाद आते हैं फिर। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि यात्रा मंगलमय हो। जिस तरह से खुशी से जा रहे हैं, अगर भगवान शिव चाहेंगे तो उसी खुशी से आप लोग आइए। बिल्कुल जी, तो चलते हैं जी। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं, चलते हैं। तू भी जाएगा? बाबा मुंह देख रहा, अपना टोपी पहना तो नहीं है। बस तुरंत जय कर। दादी को भी, दादी को जय करो। तो दादी को अपनो हंस रहा। तो हम लोग जो है पहुंच गए हैं कटिहार रेलवे स्टेशन और क्रियांश भी आ गया है। और क्रियांश अभी स्टेशन पर जो है अच्छा से भ्रमण किया है, फिर उसके बाद इसको गोद में ले लिए। अब ये टोपी देख लिया तो अपना टोपी खोलना चाह रहा है, तो जल्दी से इस कैमरा को ऑफ करते हैं वरना खोल लेगा। तो क्रियांश वहाँ अपना मजे में घूम रहा है जब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ट्रेन का आने में अभी है 15 मिनट, तो क्रियांश को जो है अभी मौका मिला है घूमने का, तो घूम रहा है मजे में। तो हम लोग पहुंच गए जी बागडोगरा रेलवे स्टेशन और यहां से हमने टोटो कर लिया और यहां से अब सीधा चल रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि मुश्किल से शायद 15 से 20 मिनट का ही रास्ता होगा, तो चलते हैं। 20 minutes later. हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे और यहां पे वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है और क्रियांश जो अपने पापा को छोड़ ही नहीं रहा है। और अभी क्या सीखा है ना, वो गोदी में सिर्फ रहना चाह रहा है, नीचे चलना नहीं चाहता है। और घर में ऐसा होता है कि वो गोदी में रहना ही नहीं चाहता है, तो घर गया हुआ है वो। तो मैं यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ सबका। क्या हुआ? ये खाली घूम रहेगा, घूम भी नहीं रहा। A few moments later. तो अब जी समय हो गया है हमारी बोर्डिंग का, तो सभी लोग चल रहे हैं। और क्रियांश जितना ट्रिप में परेशान किया था आज तक, इस ट्रिप में लग रहा है सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है क्रियांश। हर बार जो है खेला करता था, आराम से घुमा फिरता था, और अब जो है खाली गोद में रहना है इसको, इसलिए परेशानी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। तो फिलहाल हम लोग उतर गए हैं जी बेंगलोर में, और बेंगलोर में जो हम लोगों का जो है ले ओवर है अच्छा खासा देर का है, 5 घंटा 20 मिनट। तो यह 5 घंटा जो है कैसे काटेंगे पता नहीं, आखिरी का 1-2 घंटा तो निकल जाता है जी सिक्योरिटी चेक और वो सब सारा प्रोसेस करते करते, लेकिन शुरुआत का तो 3 घंटा काटना है। और क्रियांश के लिए जो है हम लोगों को कुछ दूध भी लेना था, तो देख रहे हैं कहाँ से लिया जाएगा, कहाँ मिलेगा, एयरपोर्ट के यहाँ कैंपस में मिल जाए, देखते हैं मिल जाए तो अच्छा रहेगा। A few moments later. तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं जी एयरपोर्ट से बाहर, क्रियांश के दूध का इंतजाम करना था, और क्रियांश के दूध का इंतजाम हो गया और क्रियांश जो है दूध पी करके सो गया, देख सकते हैं। और फिलहाल हम लोग जो है बैठे हुए हैं सबवे में और यहाँ रैप का आनंद ले रहे हैं। एक बार जिया को रैप खिलाए थे फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग में, बहुत बेकार था। तो जिया को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मुझे ध्यान था कि सबवे का जो रैप अच्छा होता है, तो जिया को तो इसलिए जो है हम सोचे इस बार यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से टेस्ट करके देखते हैं। और इस बार तो जिया को खिलाया अच्छा है ना, पूरा भरा हुआ है जी एकदम वेज का आइटम सब सारा सब। तो अच्छा लगा ना, बहुत बढ़िया, पेट भर लो। One hour later.
तो हम लोग का तो खाना हो गया जी, अब हम लोग चल रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट के पास। और यहाँ का एयरपोर्ट जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लोग आ गए हैं जी अपने बोर्डिंग गेट के पास, और आज जो फ्लाइट है लगभग 2 घंटे डिले रही, जो कि बहुत कम देखा है हमने फ्लाइट को इतना ज़्यादा डिले रहते हुए। लेकिन आज जो हमने वहाँ भी एक्सपीरियंस कर लिया, हो सकता है आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। 3 लोगों ने जो है 2 घंटा से ज़्यादा फ्लाइट का डिले को एक्सपीरियंस किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये सब तो सुना है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई इस तरह करके, लेकिन 2 घंटा 2.5 घंटा इस तरह से डिले होना मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और बाकी कुछ ही देर में जो हम लोग चलेंगे यहाँ से। अच्छा लग रहा है जी कि हम लोग जा रहे हैं फाइनली गोवा, बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। और हमें लगता है कि जितने भी अपने भारतीय फैमिली में रहते हैं सभी लोग जो सबसे पहला डेस्टिनेशन सुनते होंगे हम लोग की हनीमून का डेस्टिनेशन, तो गोवा मनाली यही सब आता होगा दिमाग में। तो इसी तरह से हम लोगों के भी मन में था कि कभी गोवा जाएंगे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। एक बार तो टिकट भी हमने कटा रखा था और उस समय आ गया ओमिक्रॉन, और जिसकी वजह से जो है हम जो है वो नहीं जा पाए। तो फाइनली आज हमें मौका मिला है कि आज हम जा सकते हैं। तो सभी लोग चल रहे हैं और यह ट्रिप भी जो है बहुत ही अचानक से बना है। इस ट्रिप को लेकर के जो है आगे मैं आपको कहानी बताऊंगा। फिलहाल जो है जिया क्रियांश को लेकर के घूम रही है, और क्रियांश जो है लग रहा था कि इस बार जो है खेल नहीं रहा है एयरपोर्ट में, लेकिन असल में वह जो है बहुत ज़्यादा परेशान था, इस वजह से जो है उसका खेलना कूदना सब बंद था। लेकिन अब जो है क्रियांश उनका देखे कि जब वह दूध पी लिया, थोड़ा नींद पूरा कर लिया, उसके बाद उसका मूड अच्छा हुआ और बहुत अच्छे से खेला। भगवान की दया से अभी तक अच्छे से खेल ही रहा है, और उम्मीद करते हैं इतना खेला है कि फ्लाइट में सो जाए। लेकिन उम्मीद करना बेकार है, क्रियांश के ऊपर है कि क्रियांश महाशय का कब क्या मन करता है। तो क्रियांश को देख सकते हैं मम्मी के साथ है, काफी सब ले रहा है, तो लग रहा है कि क्रियांश को नींद आ रही है। अब पापा को देख लिया ये, अब कुछ देर में शोर मचाएगा पापा के पास आने के लिए। तो हम पहुंच गए थे अपने बोर्डिंग गेट के पास, लेकिन अभी यहाँ पर जो है हम लोगों के पास 4 घंटा समय है। तो फिलहाल हम लोग जो है इस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं पेट पूजा करके, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग गई है। बिल्कुल, पहले तो सोचा था कि एयरपोर्ट में नहीं खाएं हम लोग, इतना महंगा खाना है, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। ये देखिए ये डोसा मिला है कितने में, 350 रुपये में। 350 रुपये में डोसा, कॉफी कितने का था, 200 रुपये का था। तो एयरपोर्ट पर तो महंगा होता है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो हम लोग अपने यहाँ पर खा रहे हैं, और हमारा आने वाला है ओनियन मसाला डोसा। ये खा रही है घी रोस्ट मसाला डोसा। बाकी क्रियांश जो है किसी तरह से इसको मोबाइल पे लगाया गया है, वरना इतना इधर उधम मचा रहा था, यहाँ घूमना वहाँ घूमना। 2 hours later. तो सभी लोग जी जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ, और क्रियांश को जो आई हुई है नींद, लेकिन क्रियांश जो है सो नहीं रहा है। क्रियांश को जो है दूध पिलाना पड़ेगा, दूध पिएगा वैसे ही सोएगा। वैसे फिलहाल अभी जो कैमरा ऑन हुआ है तो आपको लग नहीं रहा होगा कि यह सो रहा है, क्योंकि कैमरा ऑन होते ही जो है क्रियांश खेलने भी लगता है। तो चल रहे जी, और यह सफर काफी लंबा रहा। अब जाते हैं क्या सामान, अब देखिए यही होता है कि सामान पकड़ो या बच्चा पकड़ो, तो यही कंडीशन रहता है। तो जी आप बोली कि हम सामान पकड़ लेंगे, बच्चा को आप पकड़ो। मेरे पास कितना सामान है दिखाइए। कितना सामान है, 2 सामान है बस। तुम्हारा एक पर्स है, एक तो हम अपने कंधे पर लिए हुए हैं, बस एक छोटा सा बैग है ये। बस ऐसा ही कुछ है। तो सीधा चलते हैं जी अंदर। क्रियांश तो फाइनली जी हम लोग तो आ गए हैं फ्लाइट में, और क्रियांश जो है पानी का बोतल देख लिया, तो क्रियांश को जो है पानी पीना है, तो क्रियांश अपना पानी पी रहा है। अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से अपने पहुंचे होटल पर, और जाकर के जो है एक अच्छी सी नींद ले लें। आज के लिए तो हमारा जो होटल है वह एयरपोर्ट के पास में ही है। कल से जो हमारा स्टे होगा वह 3 दिन होगा पणजी में। पणजी में जो है प्रॉपर एक फ्लैट लिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, तो आपको जरूर दिखाएंगे। फोटो तो हमने देखा था, अच्छा था, बाकी वहाँ जैसा एक्सपीरियंस रहा था आपको बताते हैं। हम लोग उतर गए जी गोवा एयरपोर्ट में, और गोवा एयरपोर्ट से जो है हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। होटल की दूरी जो है यहाँ से लगभग मुश्किल से 3 किलोमीटर के आसपास है, तो हम लोग वहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद जो है आज हम लोग होटल में स्टे करेंगे, और कल हम लोग चले जाएंगे पणजी। तो पणजी में लगभग हमारा 2 दिनों का स्टे है, और उसके बाद का इनका क्या क्या सब होता है, तो पहले अभी तो जा रहे हैं कि बस होटल जाए और आराम से सो जाए, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही हम लोग निकले हुए हैं घर से, और अभी बज रहे हैं रात के लगभग 3 बज रहा होगा। तो ऐसा है सफ़र, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। One hour later. तो हम लोग जी पहुंच गए हैं होटल में, और अभी आप देख रहे होंगे पूरा टी शर्ट सब उतार दिया है, क्योंकि यहाँ लग रही है जी गर्मी, और वह भी नमी वाली गर्मी, एकदम चिपचिपा जैसा मौसम लग रहा है। और क्रियांश अपना सो रहा है यहाँ पर, अच्छा है कि सोया रहे, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर हम लोग आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं। मतलब एक चीज मुझको असर लग रहा है, आज सुबह में स्वेटर पहन के निकले हैं, और वह भी लग रहा था कि कम पहना के अंदर में कि इनर पहन लेते, क्योंकि इतनी ठंड थी आज सुबह, और आज रात में ऐसा टेम्परेचर है। तो यही है जी समय का चक्कर।
नेक्स्ट डे। तो सवेरे का समय हो गया है जी और क्रियांश जो है उठ गया है और अपना कार्टून देख रहा है। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:30 और इस समय जो है हम लोग जो है उठ चुके हैं, कुछ देर पहले ही उठे थे और नींद जो है हम लोगों का जो है अच्छा खासा पूरा हो गया और आज से जो है हमारी ट्रिप की शुरुआत होगी। लेकिन जो भी ट्रिप का ब्लॉग सब आएगा, भी चीज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, वो सब आपको देखिएगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।